तो कानपुर में नेशनल गंगा काउंसिल की पहली बैठक का आयोजन आज हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी, यूपी के मुख्यमंत्री योगी और उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत मौजूद हैं। पीएम नरेंद्र मोदी थोड़ी देर में स्टीमर से गंगा का निरीक्षण भी करेंगे और इससे पहले पीएम मोदी ने चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय में लगाई गई प्रदर्शनी का भी जायजा लिया। तो फिलहाल अभी ये बैठक चल रही है, इसके बाद स्टीमर में बैठेंगे सीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आपको बता दें सीएम योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ मौजूद रहेंगे, गंगा का निरीक्षण करेंगे स्टीमर के जरिए। और फिलहाल यहां पर बैठक चल रही है और इस बैठक में ये आगे की रणनीति तय की जा रही है कि किस तरीके से नमामि गंगे को आगे लेके जाना है और इसमें आगे क्या कुछ करना है, किस तरीके से इसकी कार्य योजना आगे के लिए बनानी है। फिलहाल बैठक में इसको लेकर चर्चा चल रही है। आपको बता दें इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने यहां पर निरीक्षण भी किया प्रदर्शनी का, जिस प्रदर्शनी में ये बताया गया कि अभी तक नमामि गंगे को लेकर क्या क्या किया जा चुका है, किस तरीके से कार्य हो रहे हैं और आगे के लिए क्या क्या कार्य होने चाहिए, इसकी प्रदर्शनी का जायजा जो है प्रधानमंत्री ने लिया। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। बैठक यहां पर चल रही है और इसके कुछ देर बाद, क्योंकि बैठक समाप्त होने वाली है और बैठक समाप्त होने के बाद यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टीमर से गंगा का निरीक्षण भी करेंगे। और विशाल इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ कानपुर से जुड़ चुके हैं। विशाल, अभी अगर बात कर ली जाए बैठक को लेकर खास करके, तो बैठक फिलहाल अभी चल रही है या फिर समाप्त हो चुकी, क्योंकि बैठक के ठीक बाद यहां पर गंगा का निरीक्षण करेंगे स्टीमर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? देखिए, राष्ट्रीय गंगा परिषद की जो बैठक है वो फिलहाल अभी चल रही है, कुछ ही देर में ये बैठक खत्म होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं और बैठक के बाद वो सीधे यहाँ पर आएंगे अटल घाट, वहाँ से वो मैगजीन घाट होते हुए सेल्फी पॉइंट जाएंगे और वहाँ पर जो है माना जा रहा है कि सेल्फी भी ले सकते हैं। चूँकि अगर देखा जाए तो इस बैठक को कानपुर में करने के कई तरह के उद्देश्य थे। खासतौर से पहला उद्देश्य ये था कि कानपुर में गंगा की जो स्थिति है वो बहुत ज़्यादा खराब थी, प्रदूषित लेवल जो है गंगा का बहुत ज़्यादा था, सबसे नंबर वन पर गंगा का लेवल जो है कानपुर में प्रदूषण में आता था। ऐसे में यहाँ से बैठक करके एक संदेश देने की कोशिश प्रधानमंत्री की तरफ से की गई है। साथ ही जो आम आदमी है वो भी इस पूरी मुहिम से जुड़े, नमामि गंगे प्रोजेक्ट को लेकर सरकारें बहुत काम कर रही हैं, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, लेकिन जमीनी धरातल पर आम आदमी की जो सहभागिता है वो न मिलने की वजह से इस प्रोजेक्ट को बहुत ज़्यादा तेजी से काम जो है डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। तो ऐसे में आज की बैठक में ये मुख्य उद्देश्य है कि इस प्रोजेक्ट को कैसे आगे बढ़ाना है। साथ ही साथ इस बैठक में इस बात को भी कहा जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट में क्या कुछ रुकावटें आ रही हैं, उन रुकावटों को पूरा खत्म किया जाए। साथ ही साथ राज्य सरकार की क्या क्या डिमांड है, राज्य सरकार क्या कुछ केंद्र से चाहता है इस प्रोजेक्ट को बेहतर तरीके से चलाने के लिए, इन सब चीज़ों को लेकर राय ली जा रही है। प्रधानमंत्री ने अपने कुछ सुझाव भी दिए हैं इस बैठक में, खासतौर से चूंकि ये पहली बैठक है राष्ट्रीय गंगा परिषद की, तो ऐसे में आगे क्या कुछ योजनाएं चलानी है, उनका टाइम बॉन्ड क्या होगा, इन सब चीज़ों को लेकर प्रधानमंत्री ने तमाम राज्यों के लोग आए हैं उन सबको बताया है। सबसे पहले बैठक की शुरुआत हुई है, उसमें गजेंद्र सिंह शेखावत ने बकायदा प्रेजेंटेशन दिया है, उसके बाद प्रधानमंत्री ने सम्मेलन किया है और उसके बाद तमाम राज्यों से उनके जो है एक राय मांगी जा रही है कि उनके राज्यों में क्या क्या जरूरत है नमामि गंगे प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए। चूँकि आप देख सकते हैं कि मैं इस वक्त मैगजीन घाट पर मौजूद हूँ, सबसे पहले मैं आपको एक तस्वीर भी दिखा दूँ कि यहाँ हमारे साथ जो है छोटे छोटे बच्चे भी मौजूद हैं, सुबह से ही वो यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं, इस प्रोजेक्ट से कहीं ना कहीं से वो जुड़े भी हैं, हम इन बच्चों से बात भी करते हैं। क्या नाम बेटा आपका? उम्मीद अवस्थी। ये कि आप इस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं, क्यों जुड़े हैं आप इस प्रोजेक्ट से? वो सफाई है, सोना। चलिए, आप क्या नाम है आपका? रवि प्रताप। कब से आप यहाँ पर बैठे हैं? सुबह से। क्यों आप मतलब इस प्रोजेक्ट से जुड़े हैं, क्या मकसद है जुड़ने का? जो हमारे गंगा की गंदगी है वो उससे हम लोगों को बीमारियाँ हो रही हैं, ये मोदी जी ने सफाई करवाई इससे हम लोगों की बीमारियाँ कम हो रही हैं, ये मिशन बहुत ही अच्छा किया मोदी जी। देखिए, और भी कुछ छोटे छोटे बच्चे हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम बेटा आपका? युवराज चुरसिया। ये तो ये कि क्यों आप इस प्रोजेक्ट से जुड़े हैं? क्योंकि ये प्रदूषण को अलग करने के लिए सभी लोग आए हैं और इसमें से नमामि गंगे की शुरुआत में बैठक सभी लोग यहाँ पे आए हैं और नमामि गंगे से छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री का। कुछ और भी लोग हैं, उनसे ही बात करते हैं। बच्चे, आप लोग सभी से यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं, इस प्रोजेक्ट से जुड़े हैं, जुड़ने का मकसद क्या? क्योंकि कानपुर में गंगा की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, प्रदूषण लेवल इसका जो है बहुत ज़्यादा हाई था, नंबर वन पे माना जाता था।
हाँ अब लेकिन आप मोदी जी ने यहाँ पर आकर बहुत ही अच्छा काम किया है स्वच्छता का, मानना पड़ेगा कि मोदी जी को साफ सफाई में सबसे आगे हैं। तो देखिए ये छोटे बच्चे जो है ये सुबह से ही आए हुए हैं, अपने कैमरामैन से चाहूंगा कि एक तस्वीर जरूर दिखाएं। हमारे ठीक पीछे जो है अटल घाट है, वहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो यहाँ पर आएंगे और मैगजीन घाट होते हुए वो सीधे जो है सेल्फी पॉइंट जो शमों का है वहाँ पहुँचेंगे। अभी स्थिति अगर आप देखिए तो गंगा नदी थोड़ा सा जो है साफ दिखाई पड़ रही है, क्योंकि लगातार जिस तरह से ये कहा जा रहा था कि जो एक प्लांट था शीशा नाला जो था उसको बंद किया गया था, तमाम जो फैक्ट्री से गंदा पानी था वो उसमें गिरता था और फिलहाल 128 साल से लगातार पानी गिर रहा था जिसकी वजह से गंगा प्रदूषित होती थी, इसको लेकर कोई काम नहीं किया जाता था। लेकिन अभी स्थितियां थोड़ी सी विपरीत हैं, क्योंकि अगर आप देखिए तो उन स्थितियों के अनुकूल जो अब स्थितियां हैं वो बहुत अलग हैं। अगर आप देखिए तो यहाँ पर इस वक्त घाटों का निर्माण हो चुका है, पानी साफ हो चुका है और जिस तरह से नमामि गंगे प्रोजेक्ट को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है उसके लिए हर घाट पर इस तरह की कोशिश की जा रही है कि लोग स्वच्छता को अपनाएं, आम आदमी को जोड़ने की कवायद की जा रही है। आम आदमी को जोड़ने के लिए ही शायद कानपुर शहर को चुना गया है कि यहाँ पर पहली बैठक की जा रही है ताकि लोग जुड़े, लोग ये जाने कि क्यों आखिरकार ये बैठक हो रही है, लोग ये जाने कि नमामि गंगे प्रोजेक्ट आखिरकार क्या है। सिर्फ ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, एक आम आदमी की भी जिम्मेदारी है कि उसको आगे बढ़ना है, आगे बढ़कर इस गंगा प्रदूषण को रोकना है और अपना योगदान देना है। जी बिल्कुल विशाल, कहीं ना कहीं बैठक की गई है और निश्चित तौर पर आगे के लिए कारगर चीजें जो है उनको तलाशने की कोशिश भी की जा रही होगी, उन पर चर्चा भी इस बैठक में जाहिर तौर पर हुई होगी। लेकिन जो बात आपने अभी जिक्र भी किया फैक्ट्रियां, खासकर अगर बात की जाए तो फैक्ट्रियों से जो गंद निकलता है, जिस तरीके के रसायन निकलते हैं वो भी कहीं ना कहीं अगर जाते हैं तो वो नदियों में कहीं ना कहीं जाकर मिल जाते हैं, नदियां गंगा में मिलती हैं, ऐसे में उन फैक्ट्रियों को किस तरीके से रोका जाएगा? क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ी बाधा ये रहेगी कि जो फैक्ट्रियों से रसायन निकलता है, जो गंद निकलता है, उनके लिए कहां निकासी होगी इसके अलावा? हाँ देखिए ये एक बड़ी समस्या है कि जो फैक्ट्रीज हैं, चूंकि कानपुर अगर बात करें तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा चमड़ा फैक्ट्री है, खासतौर से अगर आप देखिए तो तमाम जो टोबैको फैक्ट्रीज हैं वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा मौजूद हैं। ऐसे में औद्योगिक इकाइयाँ यहाँ पर जो है पूरी तरह से, ये चूँकि मैनचेस्टर का पूर्व कहा जाता था तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज बड़े पैमाने पर मौजूद हैं, तो ऐसे में इनका गंदा पानी कहाँ जाएगा? इसके लिए भी सरकार जो है एक प्लान बना रही है कि कैसे उन पानी को जो है ट्रीटमेंट प्लांट के जरिए साफ किया जाएगा, इस तरह की तैयारी भी की जाए। चूँकि रसायन भी एक बड़ी समस्या है तो रसायन को क्या किया जाएगा, क्या मिट्टी में दबा के ख़त्म किया जाएगा या उसके लिए कुछ एक अलग जो है डंपिंग यार्ड बनाए जाएंगे, इन सब चीज़ों को लेकर लगातार जो है कोशिश की जा रही है। खासतौर से अगर आप देखिए तो एक जो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ थी वो ये थी कि अभी तक कवायद ही नहीं की गई थी, कोशिश ही नहीं की जा रही थी, अब फिलहाल ये कह सकते हैं कि एक बड़ी कोशिश है और इसको जो है एक अच्छे प्रोजेक्ट के तौर पर देखा भी जा रहा है। अभी से कुछ देर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुँचेंगे और चूंकि आप मेरे ठीक पीछे देख भी सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चे सुबह से ही इंतजार कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए, तो आम आदमी इस प्रोजेक्ट से जुड़ता हुआ अब दिखाई पड़ा है और ये उनका खुद का है, स्वेच्छा से वो प्रोजेक्ट से जुड़ रहे हैं। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो साफ कर रही हैं कि कहीं ना कहीं से एक आम आदमी इस प्रोजेक्ट से जुड़कर एक मैसेज जो है वो देने की कोशिश कर रहे हैं, साथ ही साथ एक अवेयरनेस, जो आम आदमी जो अवेयरनेस की बात की जाती है कि आम आदमी के अंदर जो है अवेयरनेस है, वो अवेयरनेस भी आ जाएगी, क्योंकि इस तरह की जो जो बैठक है ये एक बड़ा संदेश देती है पूरे देश भर में और शायद यही वजह थी कि अलग अलग राज्यों से सहयोग भी मांगा जा रहा है प्रधानमंत्री की तरफ से। जी बिल्कुल विशाल, कहीं ना कहीं ये कहा जाए इस प्रोजेक्ट को लेकर खासकर सरकार जो है वो गंभीरता लगातार दिखा रही है पहले से, और अब ये बैठक जो की जा रही है इसको लेकर ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है प्रधानमंत्री की तरफ से कुछ घोषणाएं की जाए यहाँ पर, ये कहा जाए कि अब कहीं ना कहीं तेजी जो है, क्योंकि इससे पहले तमाम और मसले भी रहे और ये भी जानकारी में बात आ रही है निकल के कि अयोध्या मसले के बाद ये एक अहम मसला होगा सरकार के लिए, इसको लेकर सरकार जो है वो बेहद गंभीर जो है अब रहने वाली है। तो हम ये कहें कि जिस टारगेट को पूरा करने की कोशिश कहीं ना कहीं केंद्र सरकार कर रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, वो टारगेट कहीं ना कहीं उसकी शुरुआत जो है कानपुर से हो चुकी है इनिशियली। हाँ देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर आपकी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि नमामि गंगा प्रोजेक्ट जो है ये प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है और ऐसे में इसको
बेहतर तरीके से आगे चलाने की कवायद है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट एक ऐसा प्रोजेक्ट है कि ये एक दिन में खत्म होने वाला प्रोजेक्ट नहीं है, इसको सालों साल लग जाएंगे। और खास तौर से जो इंटीरियर एरिया है जहाँ पे गांव क्षेत्र है, वहाँ पर इस प्रोजेक्ट को चलाने के लिए जो है बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ग्राउंड लेवल पर ग्राम प्रधान को जोड़ना पड़ेगा, यहाँ तक कि जो लोकल जो जिला पंचायत अध्यक्ष हैं या लोकल विधायक हैं उन सबको जोड़ना पड़ेगा, एक आम आदमी के लिए को जोड़कर इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना पड़ेगा। और खास बात यह है कि ये प्रोजेक्ट कभी खत्म होने वाला नहीं है, एक बार अगर आपने सफाई कर ली तो ऐसा नहीं है कि आपकी बात खत्म हो गई, आगे भी लोगों को अवेयर करना पड़ेगा। जो जैसे अक्सर ही देखा जाता है कि मूर्ति विसर्जन होता है या कोई त्यौहार होता है तो लोग जो है पुष्पांजलि करते हैं गंगा जी में, साथ ही साथ कई जगहों पर वेस्टेज जाता है। यानी कि शुरुआत जो है ग्राउंड लेवल से बहुत तगड़ी तरीके से विशाल करने की जरूरत है, ताकि जहां पहुंचने की कोशिश की जा रही है इस प्रोजेक्ट के जरिए वो मकसद पूरा हो पाए। बहुत शुक्रिया आपका विशाल तमाम जानकारी के लिए।